देखो काइनेमेटिक्स, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालना सिखाया था या नहीं सिखाया था? नहीं सिखाया, तो लिखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या है? पाथ, पार्टिकल जिस रास्ते पे चलता है ना, जिस पाथ पे जाता है उसको हम बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री, ना पाथ का बस दूसरा नाम है ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। तो लिखो पाथ टेकन बाय द पार्टिकल इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री एंड इट्स इक्वेशन कैन बी रिटन इन टू डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई बाई एलिमिनेटिंग टाइम, ठीक है। तो क्या मतलब इसका, देखो इक्वेशन का मतलब समझते हो, पहले ट्रेजेक्ट्री मतलब समझ गए। मान लो पार्टिकल इस रास्ते पे जा रहा है तो ये जो रास्ता है वो इसकी ट्रेजेक्ट्री कहलाएगी। इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वेशन मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, पढ़िए स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन y इक्वल टू mx, y इक्वल टू mx प्लस c। सर्किल की इक्वेशन होती है y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। इलिप्स की होती है, हाइपरबोला की होती है। नहीं पढ़ी कोई बात नहीं, ये सब पढ़ोगे तुम मैथ्स में। तो किसी भी कर्व की इक्वेशन हम x और y में लिखते हैं ना, उसको हम बोलते हैं इक्वेशन। तो हम पार्टिकल जिस रास्ते पे जा रहा है उसकी इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं हम एक्स और वाई के टर्म्स में, तो उसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। और वो टाइम को एलिमिनेट करके आती है। तुमने मैथ्स में जितनी भी इक्वेशन पढ़ी है या फिर जो पढ़ने वाले हो, चाहे स्ट्रेट लाइन हो चाहे सर्किल हो, उसमें कभी भी टाइम नहीं होता, सिर्फ एक्स और वाई होते हैं। और थ्री डायमेंशन में लिखे तो जेड आ जाता है। चलो क्या इक्वेशन ये बता रहा है कि भाई पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट बता रहा है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तुम टी को 1, 2, 3 जो सेकंड में रखोगे उससे तुम्हें एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा पार्टिकल का। ये वाली इक्वेशन बता रही है सेम पार्टिकल का वाई कोऑर्डिनेट, तो उससे तुम्हें पार्टिकल का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। पार्टिकल की एक पोजीशन पता चल जाएगी एक्स और वाई में, प्लेन पे है ना, इस इक्वेशन से। पर हमें सिर्फ इसकी इक्वेशन चाहिए, हमें टाइम नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, टाइम को एलिमिनेट करते हैं। तो पहली वाली इक्वेशन से हम क्या ले सकते हैं, हम क्या करेंगे टाइम को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे ना। तो बाई एलिमिनेटिंग टाइम में क्या बोल सकता हूँ, टी देखो यहाँ पे टी क्या है, एक्स बाई फाइव है। देखो टी क्या है, एक्स बाई फाइव। तो वाई इक्वल टू क्या आ गया, टेन इंटू एक्स बाई फाइव का स्क्वायर, ये आया ना। तो वाई इक्वल टू आ गया टेन एक्स स्क्वायर वाई 25। तो वाई की इक्वेशन मुझे मिल गई वाई इक्वल टू 2x स्क्वायर बाई फाइव। अब इसमें कहीं टी नहीं है ना, तो ये तुम्हारी कहलाती है इक्वेशन। और ये इस पार्टिकल की इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होगी। इसकी ट्रेजेक्ट्री किस तरह से होगी, ये किसकी इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। समझ में आया क्या, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, कई बार क्वेश्चन में पूछते तुमसे वो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री नहीं पूछेंगे, वो तुमको ये दोनों दे देंगे और पूछेंगे पार्टिकल का पाथ कैसा होगा। चार ऑप्शन आ जाएंगे, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कुलर। समझ रहे हो ना, तो ये कैसा है, पैराबोलिक पाथ, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो इसका पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक पाथ। तो पार्टिकल कुछ इस तरीके से जा रहा होगा। अगर इसको नहीं पहचानते तो आपसे पहचाने स्टार्ट कर दो, y इक्वल टू x स्क्वायर एक पैराबोला की इक्वेशन। शायद मैंने एक दिन तुम्हें इक्वेशन बताई थी, शायद सर्किल, एलिप्स, हाइपरबोला वगैरह की बताई थी ना। समझ में आ गया, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालने के लिए बस हम टाइम को एलिमिनेट कर देंगे। फाइनली हमारे पास x और y बचना चाहिए, तो उससे हमें पता चल जाएगा पार्टिकल का पाथ कैसा है। इस केस में कैसा है पार्टिकल का पाथ, पैराबोलिक। लिखो अगला क्वेश्चन, लिखो x इज इक्वल टू 2t, y इज इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 8। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कैसा आएगा, देखो और ये इसको लिख सकते हो y इक्वल टू 2t का स्क्वायर। 2t इज नथिंग बट x, तो y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 8 की इक्वेशन है। अगेन ये पैराबोला है, ये तुम्हारा ऐसा आ जाएगा। देखो x को 0 रखने पे y की वैल्यू क्या आ रही है, 8। x 0 यहाँ पे होता है, ये x एक्सेस है तुम्हारी, ये y एक्सेस है, तो x को 0 में y 8 आ रहा है, तो तुम्हारी इक्वेशन ऐसी आ जाएगी। लिखो अगला क्वेश्चन, लिखो x इज इक्वल टू 2 sin t, y इक्वल टू 2 cos t। अब बताओ फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, टाइम को एलिमिनेट करो, t को एलिमिनेट करना है ना। तो ये सोचो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो इसको यूज करो ना, जब इसको पढ़ाए तो इसको यूज करने की कोशिश करो। sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t क्या होगा, 1। sin t कितना है तुम्हारा, x बाई 2। cos t कितना है, y बाई 2। स्क्वायर इक्वल टू 1, तो तुम्हारा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। ये किसकी इक्वेशन होती है, सर्कल। तो पार्टिकल का पाथ इस केस में कैसा होगा, सर्कुलर, जिसकी रेडियस कितनी होगी, 2। तो इस केस में पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री कैसी है, सर्कुलर। पार्टिकल एक सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री पे जा रहा है। ये इक्वेशन पहचानना आना चाहिए, नहीं आता तो अब सीखो, है ना। ये सर्किल की इक्वेशन होती है, मैथ्स वाले तो पढ़ेंगे, मेडिकल वाले कभी नहीं पढ़ने वाले, तो आपसे अभी से याद रख लेना, इसको सर्किल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, x इज इक्वल टू 2 sin t, y इक्वल टू
थ्री कॉस टी, बताओ पार्टिकल का पाथ कैसा होगा। तो देखो कैसे लिखेंगे, अगेन सेम इक्वेशन लगाओ, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी हमारा कितना होता है, तो करो साइन टी कितना आ रहा है यहाँ पे देखो, सब लोग इधर पे देखो अपना, छोड़ दो सॉल्यूशन जो भी कर रहे हो, माने छोड़ो, देखो यहाँ पे कॉस टी कितना है तुम्हारा, बाय बाय ठीक है इस पर। तो बस ये हमें पता है, इस फॉर्मेट को हम ऑलरेडी पहचानते हैं, ये इलिप्स की इक्वेशन है, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, एक्स और वाई, वाई में थ्री भी जा रहा है ना, तो वाई की तरफ सेमी मेजर एक्सिस वाई की तरफ आएगी, ये तुम्हारी थ्री होगी और ये तुम्हारे एक्स के क्रम में टू होगा, तो तुम्हारा मैंने थोड़ा डिस्टॉर्टेड बना दिया, अच्छा बना लेना है ना। तो कैसे इसका पाथ कैसा है, इलिप्टिकल, तो अगर इसमें पूछते पार्टिकल का पाथ कैसा है तो क्या बोलेंगे हम, इलिप्टिकल, सर्कुलर नहीं है, कैसा है, इलिप्टिकल पाथ है पार्टिकल का। लिखो x इज इक्वल टू टू टेन ओमेगा टी, टू टेन टी लिख लो, टू टेन टी, एंड y इज इक्वल टू थ्री sec, टू sec टी लिखो, नहीं थ्री sec टी लिखो। तो देखो हम लोग जानते हैं secant square t हमारा होता है, secant square t माइनस टेन स्क्वायर टी कितना होता है, वन, तो secant t कितना है तुम्हारा, y वाई थ्री का स्क्वायर, और टेन t कितना है, x वाई टू का स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को हम अगेन पहचानते हैं, ये किसकी इक्वेशन है, हाइपरबोला। तो पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, एक्स को जीरो रखेंगे तो वाई तुम्हारा थ्री आ रहा है, पार्टिकल का पाथ ऐसा होगा, है ना, तो ये तुम्हारा जीरो कॉमा थ्री रहेगा, ये तुम्हारा जीरो कॉमा माइनस थ्री, तो पार्टिकल या तो इधर पे जा रहा होगा या फिर इधर पे जा रहा होगा, वैसे इधर, क्योंकि हमारे एक्स और वाई पॉजिटिव है तो वाई यहाँ पे जा रहे हैं, मतलब लिखो अगला, पोजीशन वेक्टर इज गिवन एज टी आई कैप माइनस टी स्क्वायर जे कैप, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। हमने पर ये पढ़ा था पोजीशन वेक्टर क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, यही से हमको दिख रहा है एक्स कितना है टी और वाई कितना है माइनस टी स्क्वायर, तो अगेन देखो वाई इक्वल टू क्या आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, अगेन क्या है पैरा होता पार्टिकल इज एट ओरिजिन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। देखो ऐसे लिख लो, बी वेक्टर को तुम ऐसे देख सकते हो, v वेक्टर इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, मतलब वी एक्स मतलब x डायरेक्शन की वेलोसिटी, वी वाई मतलब y डायरेक्शन की वेलोसिटी, कंपेयर करो तो x डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी आ गई t, y डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी आ गई माइनस टी स्क्वायर, और वी एक्स x डायरेक्शन की वेलोसिटी को लिख सकते हैं dx बाई dt, y डायरेक्शन की वेलोसिटी को लिख सकते हैं dy बाई dt, इसको इंटीग्रेट करोगे तो x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिलेगा, इसको इंटीग्रेट करोगे तो y एज ए फंक्शन ऑफ टाइम मिलेगा, फिर t को एलिमिनेट कर देना। चलो देखो यहाँ पे, तो वी एक्स हमारा क्या है dx by dt, यहाँ तक किसी को डाउट है क्या, ये जो लिखा है नहीं है, x डायरेक्शन की वेलोसिटी होगा भाई x कोऑर्डिनेट में जो टाइम के साथ डिफरेंस आ रहा है, y डायरेक्शन की वेलोसिटी मतलब y कोऑर्डिनेट टाइम के साथ किस तरह से चेंज कर रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे वेरिएबल्स को सेपरेट करो, इसको लिख देंगे t dt इक्वल टू dx, ऐसे ही तो लिखते हैं, इंटीग्रेट कर दो वेरिएबल सेपरेट हो गए। अब क्या बोला है t इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल ओरिजिन था, ओरिजिन पे x कोऑर्डिनेट क्या होता है y कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो t इक्वल टू जीरो पे x कोऑर्डिनेट क्या है, क्योंकि ये दिया हुआ है और अपर लिमिट हमेशा वेरिएबल रखी जाती है, तो dx का इंटीग्रेशन क्या है तुम्हारा x लिमिट जीरो से x तक, इसका इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई टू, अरे रहता ना x t पावर वन प्लस वन बाई वन प्लस वन t पावर टू बाई टू जीरो से t तक, तो x इक्वल टू t स्क्वायर बाई टू आया, ये पहली इक्वेशन आ गई। y निकालते हैं, चलो वहां से देखो dy इक्वल टू क्या आ रहा है t स्क्वायर इंटू dt, है ना, देखो ना भाई t स्क्वायर dt यहाँ पे ले गए, इंटीग्रेट करो t इक्वल टू जीरो पे, अगेन y क्या है जीरो, अपर लिमिट वेरिएबल होती है, तो आ गया y इक्वल टू t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t स्क्वायर टू प्लस वन बाई टू प्लस वन टी पावर क्यूब टी पावर थ्री बाई थ्री टी क्यूब बाय थ्री, ये दूसरी इक्वेशन आ गई, टाइम को एलिमिनेट कर दो, यहाँ से देखो t कितना निकल के आ रहा है तुम्हारा रूट टू एक्स, तो y कितना आ गया तुम्हारा रूट टू एक्स पावर क्यूब बाय थ्री। लिखो मोशन, मोशन क्या होता है,